अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नबी रिएक्शन। तो उम्मीद है यार नेपाल के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे हो तुम सब? आज हम एक जबरदस्ती वीडियो देखने जा रहे हैं। तो यार जैसा कि जानते हो कि नेपाल काफ़ी ना ये रिलीजन फ्रेंडली कंट्री है। मैंने कभी इस तरह का वाकया नहीं सुना हुआ कि नेपाल में जो मजहबी शिद्दत पसंदी है उसको प्रमोट किया गया या उसका कोई केस रजिस्टर हुआ। आपको ये बांग्लादेश में तो देखने को मिलता है, पाकिस्तान में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है, फिर म्यांमार में देखने को रिसेंटली वो जो मुस्लिम पर तशद्दुद किया गया, तो यहाँ पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिंदू पर तशद्दुद के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, बांग्लादेश में भी हुई हैं और आपके इंडिया में तो ऑलरेडी होते रहते हैं। तो लेकिन मैंने नेपाल की इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी और वीडियोस में भी वो एक जैसा मतलब ये सारे रिलीजन को प्रमोट करते हैं। मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, उसमें उन्होंने और जितने भी रिलीजन हैं जो नेपाल में बसते हैं उनको प्रमोट किया था। तो ये फ्रेंडली काफ़ी नेचर के डाउन टू अर्थ जिसे बोल सकते हैं ना कि वो लोग हैं। आज हम इसी रिलेटेड एक वीडियो देखने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है बेस्ट नेपाली मुस्लिम सिनेमेटिक वेडिंग हाईलाइट्स शरीफ एंड रजिया वेड फिल्म। तो देखते हैं कि कितनी खूबसूरत वेडिंग है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर आप उनके चैनल को भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। पता नहीं मेरी कब शादी होगी तो यार स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 हियर वी गो। ओके थोड़ा आगे कर लो। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। शरीफ एंड रजिया। चैनिया समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना। देखते हैं कि पाकिस्तानी की तरह होती हैं। वाह यार मेरा दिल कर रहा है मेरी भी शादी हो जाए। ओके मेहंदी। उपटन किससे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंद, के सोया जाए ना के सोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए। आई थिंक दिस इज बारात। मानो निंदिया पिरोया जाए ना। हजरत अली की शहजादी रजिया बानो के साथ आपका निकाह पढ़ा दिया जाए क्या? ये एग्जैक्टली जैसे पाकिस्तान में होती है वैसे ही है। मोहम्मद खलील का बेटा मोहम्मद शारिक के साथ तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया जाए, क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। या मंजूर बोला जाए पाकिस्तान में, कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला जाएगा। यार मैं कितना एक्साइटेड हूँ। ये बात जब कुछ न बन सका तो ऑफिशियली इनका फाइट। दिस इज वलीमा फंक्शन आई थिंक। सेल्फी मोमेंट। धुआ धुआ
कमाल का शॉट है भाई, स्काई लैंटर्न। अरे भाई साहब, ओ यार बहुत ही अच्छी फिल्म थी यार, फिल्म आउटस्टैंडिंग। तो यार अगर वीडियो के रिव्यू की हम बात कर लें तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, इन्होंने एडिट की हुई है और एक प्रॉपर वे में इन्होंने इस वीडियो को एडिट किया हुआ है। तो देख के आपको इस बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि आप बोर हो रहे हो, काफ़ी अच्छी एडिट की हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल था। तो यार मैं दो वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, एक कि यार कि शादी देखना हो, फिर अंदर से आपके जज्बात आते हैं कि आपकी कब होगी शादी, तो एक तो ये एक वजह थी। और दूसरी वजह ये थी कि मैं देखना चाहता था कि पाकिस्तान और नेपाल में, जैसे पाकिस्तान में शादी होती है, क्या नेपाल में भी वैसी होती है मुस्लिम की, तो क्या सीन है। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम फंक्शंस थे और जैसे वो थीम्स वगैरह होती है वैसे ही नेपाल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको एक एशियन कंट्री का ट्रेंड देखने को मिलता है नेपाल में भी। तो अगर मैं आपको सीरियस बताऊँ ना, तो मैं सोच रहा था कि शायद नेपाल में डिफरेंट हो, लेकिन लिटरली ये सेम टू सेम थी। लेकिन जो मैंने एक चीज़ डिफरेंस देखी है कि पाकिस्तान में वो ना कुल्ला पहना जाता है और ये इन्होंने टोपी पहनी है, जो कि काइज़र मोहम्मद अली जना जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन है वो पहनते थे, तो शादी वाले दिन उन्होंने वो पहनी हुई थी। तो ये मेरे ख्याल से नेपाल में ये ट्रेंड है और पाकिस्तान में डिफरेंट ट्रेंड है। पाकिस्तान बांग्लादेश का तो नहीं पका, पाकिस्तान और इंडिया में तो यही ट्रेंड है, वो कुल्ला पहनते हैं जितने भी मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। यार मैं अब एक्साइटेड हूँ कि नेपाल में जो नॉन मुस्लिम है, हिंदुनिज्म और क्रिश्चियनिटी, वो कैसे अपनी मैरिज है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई वीडियो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उस पर हम रिएक्शन करेंगे। तो अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है, नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ मुझसे आप फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस खुशबू लगा के आना। तो यार यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।